हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करेक्ट एंड केयर। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सतरिठा शैम्पू का रिव्यू। तो अगर आप इस शैम्पू को परचेज़ करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सतरिठा शैम्पू की पैकेजिंग की बात करेंगे, उसके बाद इंग्रेडिएंट्स की बात करेंगे और जो लास्ट है वो इफ़ेक्ट की बात करेंगे। तो अगर आपको इफ़ेक्ट जाना है तो आप वीडियो को स्किप करके डायरेक्ट इफ़ेक्ट जान सकते हैं। तो सतरिठा शैम्पू प्लास्टिक की बॉटल में आता है एंड पिंक कलर का इसका कैप है यानी कि ढक्कन, और इसका जो ढक्कन है यानी जो कैप है नॉर्मल कैप है, फ्लिप लॉक कैप नहीं है। मतलब इस प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है मुझे ठीक नहीं लगी, क्योंकि अगर शैम्पू को आप डायरेक्ट अपने हैंड पर लोगे तो ज़्यादा शैम्पू भी निकल सकता है, क्यों और अगर किसी बच्चे के हाथ में ये बॉटल चली गई ना तो वो तो पूरा ही शैम्पू अपने हेयर और स्कैल्प पे लगा लेगा। सो गाइस, अब हम बात करते हैं इस प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट्स की। तो ये जो प्रोडक्ट है नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है इसमें सतरिठा आमला, जो कि हमारी पुरानी नानी दादी सब यही कहती है कि सतरिठा जो शैम्पू है उससे बाल बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें आमला रिठा शिका कही है, इसलिए ही मैंने इस शैम्पू को परचेस करा था। सो अब मैं आपको इसके इफ़ेक्ट बताऊंगी। तो ये जो शैम्पू है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि इस शैम्पू को यूज़ करने से मेरे बाल बहुत ज़्यादा निकले हैं, हेयर फॉल मेरा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हुआ है, मेरे जो बाल है पहले से ज़्यादा पतले हो चुके हैं। और आप में से बहुत से लोगों ने इस शैम्पू को यूज़ भी करा होगा और आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी मिला होगा, बट मुझे तो इस शैम्पू से बिल्कुल भी अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला। और YouTube पर इस शैम्पू से रिलेटेड बहुत ही अच्छी वीडियो भी अपलोड की हुई है कि शैम्पू से हेयर फॉल कंट्रोल होगा, डैंड्रफ ख़त्म होगा, बालों को बढ़ाएगा ये, बट मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। मेरे बाल तो बहुत ज़्यादा पतले हुए हैं शैम्पू के यूज़ से। और सतरिठा शैम्पू केमिकल बेस ही प्रोडक्ट है, अगर इस शैम्पू में आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स होते तो क्या बाल इतने निकलते? मैं मानती हूँ कोई भी जड़ी बूटी वाला शैम्पू रहता है जब हम उसे फर्स्ट टाइम यूज़ करते हैं तो बाल निकलते हैं, सेकंड टाइम यूज़ करते तो भी बाल निकलते हैं, बट एक दो महीने तक कोई भी शैम्पू से बाल निकल सकते हैं क्या? बट इस शैम्पू से मेरे 2-3 महीने बहुत ज़्यादा बाल निकले हैं। अब हम सतरिठा शैम्पू के यूज़ की बात करते हैं। तो इस शैम्पू को स्मॉल अमाउंट में ही यूज़ करना है, मैंने भी इस शैम्पू को स्मॉल अमाउंट में ही यूज़ करा है, हफ्ते में 2 बार इस शैम्पू को यूज़ करना है। इस शैम्पू की हम प्राइस की बात करें तो इस शैम्पू को मैंने 10 महीने पहले परचेस करा था, तो हो सकता है अब इस शैम्पू की प्राइस बढ़ गई हो। तो आप सतरिठा शैम्पू की प्राइस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, और इस शैम्पू को मैंने लोकल कॉस्मेटिक स्टोर से ही परचेस किया था। तो इस शैम्पू को मैं दोबारा परचेस नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि जो फर्स्ट बॉटल है वो ही अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। सो गाइस, मैं आपको रेकमेंड नहीं करती कि आप इस शैम्पू का यूज़ करें। सो मैंने इस वीडियो में मेरा ओपिनियन आपके साथ शेयर करा है, इस शैम्पू से जो मुझे रिज़ल्ट मिला वो मैंने आपके साथ शेयर करा है। तो कमेंट में अपने ओपिनियन आप भी ज़रूर शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।